रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। इन चंद लाइनों को कैफी आजमी ने अपने शब्दों में पिरोया है, लेकिन लता दीदी के दुनिया से अलविदा कहने के बाद कैफी आजमी की लिखी ये चंद लाइनें अपने आप जुबां पर आ गईं। आज हर किसी की आंखें नम हैं। शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था लता मंगेशकर के गाने एक दिन यादों के झरोखे बनकर रह जाएंगे। 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली लता दीदी के जीवन का हर पहलू काफी दिलचस्प है। इन्हीं में से एक है इनकी लव स्टोरी, जिसकी कहानी एक सच्चे प्रेम करने वाले के लिए मिसाल है। यकीन कीजिए, जब आप लता दीदी की इस प्रेम कहानी से रूबरू होंगे, तब आपकी आंखें भी अपने आप नम हो जाएंगी। आपने अपने जीवन में कई सच्ची प्रेम कहानियों को पढ़ा होगा, जिनकी कहानी के कुछ हिस्से अक्सर लोगों को भावुक कर देते हैं। इससे थोड़ी भी कम लता मंगेशकर की प्रेम कहानी नहीं है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता दीदी का पर्सनल जीवन भी काफी खूबसूरत रहा है। वैसे तो इस बात से हर कोई वाकिफ है कि लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिरकार लता ने शादी क्यों नहीं की थी। आपको बता दें, लता को एक महाराज से प्रेम हो गया था और ये महाराज लता दीदी के भाई के दोस्त थे। प्रेम होने के बावजूद लता ने कभी शादी नहीं की थी। अगर उनकी शादी हुई होती तो एक राज्य की महारानी बन जाती, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। कभी स्कूल नहीं जाने वाली लता ने अपनी जिंदगी से ही कई सबक सीखे। इतना ही नहीं, अपने भाई बहन को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लता जी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इस वजह से प्रेम होने के बावजूद उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन शादी नहीं करने के पीछे का एक और किस्सा है, जिसमें त्याग है, समर्पण है, जिसे जानने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बता दें, लता ने अपनी लव लाइफ को लेकर कभी भी कुछ कहा नहीं, लेकिन कई जानकारों ने लता जी की लव लाइफ को लेकर जिक्र किया है, जिसमें जानकार बताते हैं, डूंगरपुर राजघराने के महाराज राज सिंह से लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थी। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनकी मुलाकात उस समय हुई थी जब राज लॉ करने के लिए मुंबई आए थे। मुंबई पहुंचने के बाद राज अक्सर लता से मिलने उनके घर जाया करते थे। दिन बीतने के साथ साथ मुलाकात का सिलसिला भी बढ़ता ही चला गया और देखते ही देखते राज और लता की भी दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती कब एक सच्चे प्रेम में बदल गई, इस बात को खुद लता भी कभी जान नहीं पाई। अब दोनों के बीच प्रेम हुआ था, तब लता का नाम भी चर्चित हस्तियों में गिना जाने लगा था। अब लता की प्रेम कहानी मीडिया का भी हिस्सा बनने लगी थी। आपको बता दें, राज तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अफसोस, शादी हो नहीं पाई। कहा जाता है कि राज ने अपने माता पिता से एक वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। राज ने अपने माता पिता से किया वादा निभाया, साथ ही अपने प्रेम को भी बटने नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज भी जीवन भर अविवाहित रहे। राज लता से 6 साल बड़े थे। राज को क्रिकेट का भी बहुत शौक था, इसके चलते वो कई सालों से बीसीसीआई से जुड़े रहे। कहा यह भी जाता है कि राज और लता को मिलाने में क्रिकेट का भी बड़ा योगदान था। एक बार क्रिकेट खेलने के बाद राज को लता ने घर पर चाय के लिए बुलाया था। यही पहली बार राज सिंह ने लता को देखा और उनकी दोस्ती हो गई। राज लता को प्रेम से मिट्ठू बुलाते थे। उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था, जिसमें लता के चुनिंदा गाने होते थे। मौका मिलते ही वो लता के गाने सुनने लगते थे। बता दें, 12 सितंबर 2009 को राज सिंह दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। वहीं अब उनके निधन के 13 साल बाद लता ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उन्होंने अपनी लव स्टोरी किसी से कभी शेयर नहीं की। फैंस लता दीदी के निधन से गम में डूबे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं।